अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल आई होप आप सब खैरियत से होंगे बहुत अच्छे होंगे तो अभी ना सुबह के तकरीबन साढ़े छः बज रहे होंगे और पीछे माउंटेंस के पीछे जो है ना सूरज अभी तक छुपा हुआ है अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ सही इस तरह से और बहुत ही प्यारा सा आसमान लग रहा था इस टाइम पर और यहाँ पर ना लॉन्ग वीकेंड चल रहा है फ्राइडे uh, के सैटरडे के तो ऑफ़ होता ही है लेकिन इन्होंने किसी रीज़न की वजह से संडे और मंडे को भी ऑफ़ दिया हुआ था और आपको पता है बच्चों की ना वही सेम रूटीन होती है सुबह छः बजे उठी हुई थी लियाना तो फिर मैं इसको बाहर ले आई क्योंकि इतना प्यारा इतना प्लेजेंट वेदर हुआ हुआ है और ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्विंग्स में प्ले भी कर लेगी और मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी तो बस थोड़ी देर ना इसने स्विंग्स वगैरह में प्ले किया हम लोगों ने वॉक वगैरह की और विंटर्स में ना गल्फ़ का वेदर इतना आइडियल होता है कि बस बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे तो इतनी ठंड भी नहीं होती कि इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनाई जाए लेकिन ना इसको हल्का सा फ्लू भी है और यहाँ पर हमारी साइड पर काफ़ी हाइट पर है ना तो इसलिए काफ़ी हवा चलती रहती है तो इसलिए ना इसको फिर मैंने मोटी सी जैकेट पहना के लेके गई थी अपने साथ और बस हम लोग घर पहुंचे ही हैं थोड़ी देर के बाद जीया भी उठ गई थी और उसका मूड ख़राब था कि मुझे क्यों नहीं उठाया मुझे क्यों नहीं साथ लेके गई और मैं दूसरे रूम से आई हूँ तो इलियाना जो है ना फुल टाइम बिज़ी थी टेबल को साफ़ करने में क्योंकि आजकल ना इसने काउंटिंग सीखी है वन से लेके कर ट्वेंटी तक लिख लेती है तो इसका दिल करता है हर कोने पे जो है ना लिखती रहे तो इसने टेबल पे वन से लेके कर ट्वेंटी तक लिखा हुआ था और जब मैं आई हूँ ना तो इसको फुल ज़ोरों शोर से रेजर से साफ़ करने में लगी हुई थी No, it it's not working. Oh no, dirty. Tissue, Lelo. You. No. <coughs> I'll not do it. Next time you will not do it, okay? Abi, Abi, tell me. How are you, Mama? Mm, abi will be angry. No. Then? I'll need to raise it Fast. Abi, look what Illa did. No I need to wear it. No, I hit, I'll... no I need to raise it. It is fine. to tell me It's okay. But it's dirty. I've kept dirty. it. it tuh तो आज ब्रेकफास्ट में ना मैं बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़े के बनने वाले सैंडविचेस बना रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सैंडविचेस में ना जितनी भी मेहनत हो वो फिर भी आसान होते हैं रोटी बनाने से क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रोटी में ना बहुत ही ताम झाम करना पड़ता है तो खैर यहाँ पर ना मैंने पाँच एग बॉयल होने के लिए रख दिए थे और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया था मैंने आप लोगों से ही पूछा था इंस्टाग्राम पर तो आप लोगों ने कहा था कि सॉल्ट डालने से ना एग शेल बहुत आसानी से रिमूव होता है और उसके बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख दो तो नॉर्मल टैप वाटर में और फिर उतारो तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है शेल इसका तो मैंने ना तकरीबन एक दो मिनट के लिए बॉयल एग्स को टैप वाटर में रख दिया था आ, तो देखें कितनी आसानी से शेल रिमूव हो रहा है वरना पता मेरे साथ तो हमेशा यही होता था कि मैं जब भी बॉयल एग करती थी ना तो जब भी मैं शेल उतारती थी साथ साथ तो वाइट वाला पार्ट भी उतरता रहता था तो खैर यहाँ पर ना मैंने इनको फोक की हेल्प से अच्छे से इनको मैश कर दूँगी और फिर उसके बाद ना मैंने इसमें वन कप से थोड़ा सा कम ना मायोनीज़ ऐड किया है और कुछ अर्से पहले ही मैं ये मेजरिंग कप और स्पून वग़ैरह लेके आई हूँ मैंने जब भी कुकिंग किया मैंने हमेशा जो नॉर्मल हमारे स्पूंस यूज़ होते हैं या कप्स यूज़ होते हैं ना घर में उन्हीं से कुकिंग की और हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट बनी है लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ आप लोग के मैसेज आ रहे होते थे कि प्रॉपर जो है ना मैं कप और स्पूज यूज़ करके हमें बताया करें क्वान्टी तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोग के लिए लेके आती हूँ तो अच्छा उसके बाद इसमें मैंने फिर वन कप ही बॉयल चिकन ऐड कर दिया वन हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया उसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया सॉल्ट uh, जो है ना अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है उसके बाद ना इसमें मैंने हाफ कैरेट ली है और उसको मैंने कद्दूकश करके ना ग्रेट करके वो इसमें डाला है ज़रूर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बस हमारा जो है ना बैटर रेडी हो गया साथ साथ जो थोड़ा बहुत मैंसू हुआ था वो मैंने क्लीन कर लिया और अब ना सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं ये वाले जो सैंडविच है ना ये कोल्ड सैंडविच है सो so, इसलिए uh, जो ब्रेड हम लेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए क्योंकि ब्रेड को हमने दोबारा से टोस्ट uh, नहीं करना है तो इसलिए ये जो अगर ब्रेड फ्रेश नहीं होगी ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा सैंडविचेस का तो बस उसके बाद ना मैंने इसकी फिलिंग वगैरह ऐड कर दी और फिर मैंने इसकी साइड्स वगैरह काट ली इस तरह से फिलिंग ऐड करके बाद में साइड्स वगैरह काटो ना तो बहुत अच्छी सी लुक आती है सैंडविचेस की और क्योंकि ये कोल्ड सैंडविचेस हैं तो अगर हमने इसको रात में बना के रखा है और इसको हम क्लिंग रैप से रैप कर लेना और फ़्रिज में रख दें तो नेक्स्ट डे यूज़ करें नेक्स्ट डे भी ये बिल्कुल ही इसी तरह से फ़्रेश रहती हैं सॉफ्ट रहती हैं और टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता बल्कि ये इतने हेल्दी हैं हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं रात में बना दें क्लिंग रैप से रैप करें फ्रिज में रखें और नेक्स्ट डे इसको जो है बच्चों के लंच बॉक्स में भी दें बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे तो बस यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली बच्चों के लिए दूध मैंने हल्का सा गर्म कर लिया क्योंकि अब ठंड है ना थोड़ी सी तो इसलिए हल्का सा दूध गर्म करके मैं देती हूँ वरना एकदम से बच्चों का जो गला है वो ख़राब हो जाता है या फ्लू स्टार्ट हो जाता है तो बस हमारा जो है ना सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी है मुझे लगता है ये जो सैंडविचेज़ हैं ना बहुत ही फेमस सैंडविचेज़ हैं हर किसी को आते होंगे बनाने लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किए कभी तो जरूर जरूर जरूर, जरूर ट्राई करना बहुत सिंपल से हैं और इनशाला आपको बहुत अच्छे लगेंगे तो जो नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं उसमें मंजूर घर पे तो होते नहीं है ऑफिस में ही होते वहां पर लंच वगैरह करते हैं तो आज क्योंकि घर पे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा सा मीट या चिकन में से कुछ बना दो तो मेरे पास ना ये बीफ का पीस पड़ा हुआ था शायद ये रिप पीस है आ, वैसे तो मैंने जो लंच है ना वो रात में ही बना के रख लिया था ताकि हम आज खा लेंगे मिक्स सब्जी थी तो मैंने सोचा चलो मन ने फरमाइश की है तो बनाती हूँ तो इसके ऊपर ना पीस के ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और मैंने मीट टेंडराइज़र डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे आलू मैं ले रही हूँ आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि छिलकों के साथ ही ये आलू बना और मैं अभी बना रही हूँ दम पुख तो इसके लिए ना जब हम इसमें सॉल्ट वगैरह डालते हैं मीट राइजर तो इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की भी जरूरत नहीं होती बस सॉल्ट वगैरह डाल के डायरेक्टली इसको हम कुक कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल मीडियम से लो हीट पे ही बनेगी और नीचे मैंने तवा रख लिया है और ये जो है ना इसमें हमने ना सॉल्ट ना हमने ऑयल डालना है और ना ही हमने इसमें कुछ पानी डालना है इसमें जल्दी है चर्बी लेकिन ये जो मैं अभी पीस यूज़ कर रही हूँ ना इसमें काफ़ी सारा फ़ैट है तो इसलिए मैंने सेपरेट चर्बी नहीं डाली है तो बिल्कुल जब मीडियम से लो हीट पे ये बनती है ना तो ये जो फ़ैट है होती है अंदर तो ये ही मेल्ट होती है जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसको बस अच्छे से आ, कवर कर लेना है मैं यहाँ पे फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ अगर आ, आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आटे से भी अच्छे से आप कवर कर लो और मीडियम से लो हीट पे तकरीबन ये जो है ना ये वाला पीस डेढ़ घंटे में ये बन जाएगा तो जब तक दम पुख्त बन रहा है तो मैंने सोचा कि मैं ना अपनी फेवरेट फेवरेट सैलेड बना लेती हूँ मुझे ना स्वीट कॉर्न्स बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे ना एक कैन लिया स्वीट कॉर्न का उसमें थोड़े से मैंने कोकम्बर डाला है टमाटो डाला है थोड़ा सा अनार डाला है और उसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ा सा अनियंस डाल के और ऊपर लेमन मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्या उसे कहते हैं चाट मसाला सॉल्ट और बस ये चीज़ें मिक्स करें और इतने ही मज़े की ये चाट बन के रेडी होती है सैलड कह लो चाट कह लो नॉर्मल अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना तब भी ये बना के आप लोग रख सकते हो अपने लिए खाने के लिए तो बहुत मज़े की बन के रेडी होती है तो ये जो है ना हम लोग दम पुख्त के साथ ये भी खाएँगे तो यहाँ पर तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया तो इसको ज़रा खोलते हैं अभी तो देखें कितना अच्छी तरह से सारे जो पीसीस है ना वो बहुत अच्छी तरह से वो टेंडर हो गए हैं वो जो आलू है वो भी अच्छे से देखें सॉफ़्ट हो गए हैं और ये जो आलू और ये जो टमाटर होते हैं इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है क्योंकि ये जो है ना फैट में जब ये कुक होते हैं लो फ्लेम पर बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका और ये देखें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बन चुका है और ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना ये फ़ैट ही मेल्ट हुआ है जिसकी वजह से ऑयल बना है तो बस इसको डिश आउट करते हैं और इसको फिर हम लोग खाएंगे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये बहुत आसान सा है इतना मुश्किल नहीं होता मुझे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बड़ा मज़ा आता है बनाते हुए और वैसे वैसे भी जो ये वाली है नं पुख्त मंसूर की मोस्ट फेवरेट तरीन डिश है तो ये देखें हर हर जो रेशा है ना कितनी अच्छी तरह से वो सेपरेट हो रहा है इतना अच्छा ये टेंडर हुआ था तो खैर हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया उसके बाद अभी तकरीबन ये जो है ना चार साढ़े चार बजे का टाइम होगा बच्चे यहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह पैक करें टॉयज़ पैक करें क्योंकि बच्चे जा रहे हैं नीचे प्ले करने के लिए सिर्फ नीचे ही जा रहे हैं जो सामने हमारा एरिया है ना वहाँ पे उसके बावजूद पानी भी लेंगे और टॉयज़ भी अपने साथ लेके जाएंगे तो खैर बच्चे जो हैं वो नीचे चले गए हैं और मैं ऊपर से देखती रहती हूँ क्योंकि नीचे ही खेलते रहते हैं और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना क्योंकि सामने बिल्कुल ओपन एरिया है तो इतनी अच्छी हवा चहरी होती है इस टाइम पे बच्चे वहाँ पे प्ले कर रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना समेट लेती हूँ आज सुबह से मैंने कोई ख़ास क्लीनिंग नहीं की है चीज़ें नहीं समेटी यहाँ पे ना टेबल पे सुबह से ये लोग आर्ट वर्क कर रहे थे तो इतना गंदा हुआ हुआ था टेबल तो बस मैंने चीज़ें वगैरह साफ़ किए हैं और टेबल साफ़ किया और फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में मैं अभी बनाने वाली हूँ हॉट चॉकलेट बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी हॉट चॉकलेट की क्योंकि मैं बच्चों को देती रहती हूँ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें नई भी होती तो मैं बहुत सी चीज़ें स्किप भी कर सकती हूँ तो डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन वन एंड हाफ गिलास जो नॉर्मल साइज़ का गिलास होता है वो दूध ऐड किया है वन टेबल स्पून ही चीनी ऐड किया वन टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड किया कोका पाउडर जो अनस्वीटन कोका पाउडर होता है ना वो ऐड किया और चीनी भी आपने बच्चों को देख के ऐड करनी है जितना वो खाते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप चॉकलेट चिप ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने क्रीम ऐड किया जो हैवी क्रीम होती है ना वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे और उसके बाद ना इसमें थोड़ा सा पिंच के बराबर मैंने सॉल्ट ऐड किया ताकि अच्छे सा जो है ना टेस्ट बैलेंस हो जाए अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा ना जैसे हल्का सा इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ ग्लास मिल्क में वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के ना उसको मिक्स करके वो मैंने इसमें ऐड किया और बस एक दफ़ा ये बॉयल आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट जो है ठंड में तो बहुत ही मजे का लगता है बच्चों को दें बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने कहा हो कि हॉट चॉकलेट पीनी है और मेरे पास क्रीम या मेरे पास चॉकलेट चिप नहीं है तो खाली दूध में न, भी ना थोड़ी सी चीनी डाल के थोड़ा सा कोका पाउडर डाल के मैं गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ तो बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे तो आप लोग भी ट्राई करना ठंड में तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी तो आज ना हमारा प्लान था रात के टाइम पर हम लोग जा रहे थे नंद के घर पर क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे अपनी कज़न्स के साथ और काफ़ी मिस करते थे कज़ंस को आंटी को तो प्लान यही था कि हम लोग ना रात में वहाँ पे जाएंगे डिनर वगैरह करके आएंगे तो मैंने सोचा कि रास्ते में अब जा ही रहे हैं तो रास्ते से ग्रॉसरी भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी और मंथली ग्रॉसरी की है ना काफ़ी टाइम हो गया जैसे महीने के आखिर में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए जो, जो, जो ग्रॉसरी होती है वैसे नहीं की है काफ़ी टाइम से बस वीकली ग्रॉसरी होती है और साथ साथ जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती मेन मेन चीज़ें वो फिर साथ साथ वीकली बेस पे मैं लेती रहती हूँ तो इस दफ़ा ना काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ हुआ था तो बस वही मैं यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह कर रही हूँ तो ये जो टमेटो पेस्ट है ना तकरीबन चार पाँच मैंने इसके पैकेट्स लिए थे ये वीकली तो नहीं आप कह सकते तकरीबन आराम से पंद्रह बीस दिन चल जाएंगे और इसे ना खाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलर भी बहुत अच्छा अच्छा आता है थोड़े से मैं टमेटोस डाल देती हूँ और वन टेबल स्पून टमेटो पेस्ट डाल दो ना तो खाने का बहुत अच्छा कलर आता है और इमली की जो पेस्ट है ये भी ख़त्म हुआ था और साथ कॉर्नस कॉर्न आपके जैसे मैंने पहले बताया स्वीट कॉर्नस मेरे बहुत फेवरेट है तो ना इनको मैं काफ़ी सारे मैं लेके रखती हूँ कैन हमेशा से चाट वग़ैरह भी बनाती हूँ और वैसे भी ना जैसे बटर में हल्का सा इनको सॉटे करके बच्चों को भी देती हूँ तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं तो बस यहाँ पे वाक़ी चावल ख़त्म थे दालें और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ख़त्म थी तो बस वही यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अभी तो बस सारी चीज़ें वगैरह लेने के बाद एंड पर हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट के एरिया में आते हैं तो यहाँ से बिना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये चीज़ें ख़त्म थी ये हम लोगों ने ली और यहाँ पे देखें कितनी अच्छी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो 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 यहाँ पर सारी एक ही सेक्शन में पड़ी हुई तो थी इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है यहाँ से और फिर हम लोग मीट के सेक्शन में पहुँचे और यहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं तो कारफोर में से कोई बंदा आया उसने कहा कि अलाउन नहीं है यहाँ पे आप वीडियोस नहीं बना सकती शायद एक दो क्लिप लेते हो तो इतना शायद कुछ ना कहते हो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो शूट करी थी तो इस वजह से तो खैर उसके बाद ना मैंने छोटे मोटे जो अपने ही क्लिप्स थे वो मैंने लिए और फिर हमारी थोड़ी बहुत जो हमने शॉपिंग करनी थी शॉपिंग की और हम लोगों ने फिर पे किया और फिर उसके बाद हम लोग नंद के घर चले गए बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं नंद के घर पे नंद का घर काफ़ी दूर है हमारे घर से तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि आगे वैसे भी छुट्टी थी और हम लोग काफ़ी लेट फिर वहाँ से घर पे आए यहाँ पे ना इलियाना सो गई है तो उसी के साथ मैं खड़ी हुई हूँ और जिया जो है ना हमेशा जितनी भी नींद हो जो मर्ज़ी हो वो हमेशा ग्रॉसरी की चीज़ों में बाकी चीज़ों में हमेशा बाबा की हेल्प करी होती है तो बस यही थी आज की वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ It will dry by itself? Yes.